जाके विवेक को बुला कर लिया। तो वो सच कह रहा है ना? मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अपनी धनलक्ष्मी को महारानी की तरह रखूंगा। साहब कहाँ लेकर आए साहब? तू क्यों डर रही है धनलक्ष्मी? मैं हूँ ना, गांव में बाहर वाला आकर हमें बेवकूफ बनाकर जाएगा क्या? यही लोग हैं साहब। कौन है लोग? 17 लोग मर गए तुम लोगों की वजह से, पता है? पैसे के लिए तुम लोगों ने गांव वालों की जान ली है, इनको पकड़ लो साहब। अरे देखने क्या बोल रहा है, ये कह रहा है धनलक्ष्मी तुझे बुलाया है। रुको रुको। मेरा विवेक आएगा, विवेक जरूर आएगा, तुम्हें मेरे पास मत आना। सर तो मार डालूंगी। क्या हुआ भाई, आप नहीं जा रहे हो क्या? दादा दूसरों के झगड़ों में टांगड़ाती, मैं मना करता हूँ फिर भी मेरी बात नहीं मानती। मैं उसका साथ देता हूँ इसीलिए वो किसी से भी भिड़ जाती है, समझती नहीं है। इस बार मैं नहीं जाऊंगा, उसको इस बार सबक सीखना ही पड़ेगा, समझ गया ना? विवेक जरूर आएगा, अगर वो आ गया तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। विवेक, हे विवेक, उठ। अरे विवेक उठ, धनलक्ष्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या हुआ धनलक्ष्मी, क्या हुआ धनलक्ष्मी? विवेक, हमारे गांव के 17 लोग मर गए, बहुत सारे बच्चे तेरी मेरी तरह हलात हो गए,